जंगल में सुअर मारने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आया था शख्स। मृत होने के बाद साक्ष्य छुपाने नहर में फेंक दिया था शव। तीन आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बहरा गांव का मामला। नगरदा थाना क्षेत्र के बहरा गांव के शख्स की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपियों ने सुअर मारने के लिए करंट बिछाया था, लेकिन उस करंट की चपेट में शख्स आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद तीनों आरोपियों ने मृत व्यक्ति के शव को साक्ष्य छुपाने नहर में फेंक दिया। नगरदा थाना प्रभारी सीपी कंवर ने बताया कि 27 मार्च 2022 को घटना हुई थी। बहरा गांव के रामजी कंवर दोस्तों के साथ जंगल की ओर गया था, जहां से वह वापस नहीं लौटा। 28 मार्च को उसके बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 29 मार्च को नहर में रामजी कंवर की लाश मिली। मामले में मर्ग कायम कर जाँच की जा रही थी। इस बीच पता चला कि सुअर मारने लगाए गए करंट से रामजी की मौत हुई थी। इस पर पुलिस ने जाँच आगे बढ़ाई और पूछताछ में कोरबा जिले के उर्गा क्षेत्र के काला भाटा गांव के लीलाधर कंवर, दिलीप कंवर और बुढ़िया पाली के मनोज पैकरा के द्वारा करंट लगाने सामने आई। इसके बाद मामले में नगरदा पुलिस ने आईपीसी की धारा 304, 201, 34 के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले के मृतक रामजी कंवर, जो की ग्राम बहरा का रहने वाला है, जो दिनांक 27/3/2022 को रात्रि 8-9 बजे अपने घर से निकला था। रात में और दिन में घर नहीं आने पर उनके परिजनों द्वारा अगले दिवस दिनांक 28/3/2022 को थाना नगरदा में गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। पता साझी दौरान दिनांक 29/3/2022 को मृतक का शव नगरदा नहर में मिलने पर मृतक का शव पंचनामा करवाई कर मृतक का शव को पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु विद्युत करंट से होने लेट करने पर जांच कर रहे दौरान दिनांक घटना को मृतक के साथ गए अन्य साथियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सभी कोई उस रात्रि में कुरुगा क्षेत्र आने वाले गांव पहाड़ गांव में जंगल की ओर गए थे कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पहाड़ गांव क्षेत्र में सुअर मारने के लिए लगाए गए तार जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था उसके चपेट में आ जाने से मृतक की मृत्यु हो जाना बताने पर थाना नगरदा में गुम इंसान व मर्ग जांच पर से अपराध धारा 304, 201, 34 भादई का अज्ञात आरोपी को अपराध में निबद्ध किया गया। विवेचना दौरान मृतक के साथ गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि घटना जहां पर मृतक की मृत्यु हुई थी उस क्षेत्र के आसपास के गांव वाले सुअर का शिकार करने के लिए तार बिछाते हैं। जिनके बताए अनुसार संदेहों से पूछताछ करने पर उन संदेहों को थाना लाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना घटित को स्वीकार करने वह शव साक्ष्य छुपाने के लिए शव को नहर फेंक देने बताने से आरोपियों को उनके मेमोरेंडम के कथन के आधार पर उनसे बिछाए गए तार व उसमें प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक मान पर भेजा गया है। अभी मामला विवेचना किया।